हेलो एवरीवन वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ ई लर्निंग सिम्प्लीफाइड टेक्नोलॉजी ड्रीवन एजुकेशन रिवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ई विद्या स्कीम को लॉन्च किया है पीएम ई विद्या स्कीम के अंडर वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा को भी लॉन्च किया गया है पीएम ई विद्या की लॉन्च डेट है सेवनटीन्थ मई टू फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारामन पी एम ई विद्या स्कीम के ऑब्जेक्टिव को फोर हेडिंग्स के अंडर कैटेगराइज किया जा सकता है पहला है एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करना सेकेंड लर्निंग फॉर ऑल एंड लर्निंग विद इक्विटी को एंश्योर करना एंड थर्ड टू कवर ऑल स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन बी इट प्राइमरी लेवल बी इट हायर एजुकेशन लेवल और फोर्थ ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन को ऑल ज्योग्रफिकल लोकेशन तक पहुंचाना इवन इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री इस स्कीम के अंडर स्कूल एजुकेशन टीचर एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क को तैयार किया जाएगा और इस फ्रेमवर्क को तैयार किया जाएगा एज पर ग्लोबल बेंच नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन को लॉन्च किया जाएगा इस मिशन में ये इंश्योर किया जाएगा कि इंडिया का हर चाइल्ड एक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी लेवल को अटेन करे इस स्कीम के अंडर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को तैयार किया जाएगा और साइन लैंग्वेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की वेबसाइट एंड यूट्यूब पे मटेरियल अपलोड किया जाएगा वन क्लास वन चैनल के अंडर क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हर क्लास के लिए एक एजुकेशनल चैनल स्टार्ट किया जाएगा ये चैनल्स अभी भी एम के द्वारा रन किए जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं दीक्षा जो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता है दीक्षा दैट इज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसका टारगेट होगा स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड करना और ये सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में अप्लीकेबल होगा स्वयं पोर्टल के अंडर मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ को लॉन्च किया जाएगा हायर एजुकेशन एंड स्कूलिंग के लिए आईआईटी पल दैट इज़ आईआईटी प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग जो आईआईटी आई एंड नीट प्रिपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है उसको भी पीएम ई विद्या के अंडर लाया जाएगा हायर एजुकेशन में ई e लर्निंग को एक्सपेंड करने के लिए ओपन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन को लिबरलाइज किया जाएगा इसके साथ ही टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करेंगी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा इस इनिशिएटिव का टारगेट रहेगा मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबिंग को एंश्योर करना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे पहला बेनिफिट है इस मिशन के लॉन्च के साथ एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंडिया में वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म मिशन के साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा स्टूडेंट्स का दैट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा स्टूडेंट्स का थर्ड इस मिशन की हेल्प से कंट्री में क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल को इंश्योर किया जा सकेगा इस इनिशिएटिव से एजुकेशन में एक्सेस एंड इक्विटी में बूस्ट होगा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेल्प से ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो में इंप्रूवमेंट होगा इस मिशन की हेल्प से पच्चीस करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको बेनिफिट होगा इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब थैंक यू हैव ए ग्रेट डे